तो आज अपना डे वन है और पहुँच चुके हैं बीच फेस्ट के साथ। क्या रहता है सिस्टम पूरा, वैसे ओपन हो चुका है बट पूरा का पूरा सिस्टम क्या है वो आगे आप जाते रहेंगे और आपको पूरा सिस्टम बताएंगे। यहाँ पर पार्किंग एरिया है और सामने की साइड थोड़ी बहुत सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक की शॉप है। आज ट्राई करेंगे क्योंकि दीव छोटा सा ही है तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा एक ही दिन में। और हम टोटल कल रात पहुँचे थे दीव करीबन 8 बजे के आसपास, फिर अलग अलग होटल ढूंढी थी बट जब हम फर्स्ट होटल गए थे वहीं चूज़ किया था। सो यहाँ से कुछ मज़ेदार फोर्ट है और अभी अंदर जाके पूरा एक्सप्लोर करते हैं। तो यार जैसे ही हम एंटर करे ये किले के अंदर, जो अपना जो मेन जो हम व्लॉगिंग करते थे वो कैमरा उसने अलाउड नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया, सब लोग कैमरा वगैरह लेकर जा रहे थे बट हम वहाँ पर एक्चुअली व्लॉग कर रहे थे, उन लोगों को पता नहीं अच्छा नहीं लगा और क्या लगा तो हमें ले जा नहीं दिया। हमें बहुत सारे उसके साथ बातचीत की बट उन लोगों ने हमें अंदर जो अपना मेन कैमरा वो नहीं ले जाने दिया। फिर क्या हुआ कि अपना जो दूसरा कैमरा था उसने वो अलाउ किया तो उसी से अपने जो रिकॉर्डिंग वगैरह किया तो उसी से ये पूरा व्लॉग शूट कर लिया। अलाउड नहीं किया तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है बट कोई बात नहीं, इससे जो एक्सप्लोर करेंगे अंदर अंदर फोर्ट की अलग अलग जगह वो दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत ही बड़ा फोर्ट है तो स्टेप बाय स्टेप दीव टू द्वारका और अलग अलग सब वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। 1500 साल में पोर्टुगीज शासन वाले जब यहाँ पर आए थे तब ये फोर्ट बनाया गया था और दीव बहुत ही ब्यूटीफुल मिनी गोवा है, लाइक जूनागढ़ से 49 किलोमीटर के आसपास है और आप जो लोकेशन से हो उसके डायरेक्ट करके यहाँ पर हम आ सकते हो। बहुत दिखाएंगे आते ही थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंस हो तो पता चलता है। एक्सपीरियंस तो होते ही है, वो एक्सपीरियंस आपके काम है इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। मतलब DSLR ले जाओ, छोटा कैमरा ले जाओ यार, पता नहीं क्या समझ नहीं आया इसका सिस्टम। मैं तो कहता हूँ मोबाइल अलाउड कर दिया जाए उसके बाद तो कैमरा हमारा जो मेन हम यूज़ करते हैं वो अलाउड नहीं किया। कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे ऐसे चलेंगे तो ही पता चलेगा ना। तो दोस्तों आप जैसे ही एंटर करोगे किले के अंदर, थोड़े ही अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड जोन आता है तो वहाँ पर आपको जाना है तो उसके लिए परमिशन लेकर अंदर जाना पड़ता है। और हम बात करें तो यहाँ पर एक पूरा गाइड लिखा हुआ है, किले के हिस्ट्री के बारे में भी लिखा है और जो मैप है पूरा का पूरा वो भी किला का दिया हुआ है जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो ये आप मैप को फॉलो करके अंदर की साइड घूम सकते हो बट जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए। बाकी जो नॉर्मल एरिया है वहाँ पर आप इजीली घूम सकते हो, वहाँ का पूरा रूट भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो आप किला देख रहे हैं वो सन 1535 के दौरान बनाया गया था और सेंचुरी 16वीं सेंचुरी के दौरान ये बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये जो किला बनाया गया था वो बहुत ही अच्छी तरह से बिल्ड किया हुआ है, इसके अंदर जो तोप गोला बारूद वगैरह जो सिस्टम है बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सेट किया गया है। आप जब एक्सप्लोर करें तो आपको फील होगा कि ये बहुत ही अच्छी तरह से बिल्ड किया गया है, 500 साल पुराना है बट अभी तक इसके जो सब चीज़ें वगैरह है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखा हुआ है। जो जगह है यहाँ से जो व्यू दिखता है वो अलग ही लेवल का है। एक बार यहाँ पर दीव में आओ तो ये टॉप पर जाकर ये जो पूरा सिटी व्यू है वो पूरा दिखेगा और दीव का किला भी प्रॉपर दिखेगा। तो ये जगह पर ऊपर ज़रूर जाना और एक बार ये व्यू ज़रूर एक्सप्लोर करना गाइस। अपना मेन कैमरा तो साथ में नहीं है बट चलेगा, इसे शूट कर लेंगे, भले ही थोड़ा कम स्टेबिलाइज बट चलेगा। यहाँ पर कुछ जो लोकल लोग थे उससे मिले, बहुत उसने इतिहास बताया और यहाँ पर क्या वो रेस्ट्रिक्शन रूल वगैरह उसका बताया। उसके साथ भी आते ही बैड एक्सपीरियंस हुआ था, थोड़ा बहुत शेयर किया। तो कैमरा ना हाथ में बाद में लेकर आओगे तो थोड़ा बोलेंगे
बैग वगैरह में डाल के आओ, कुछ नहीं बोलेंगे यार, हमारे से थोड़ी गलती होगी बट ऐसा गलती करेंगे तो ही धीरे धीरे। यार ये तो जगह में आने ही भूल गया था, लास्ट टाइम आया था बट ये जगह एक्सप्लोर करना भूल गया था, बहुत मस्त है। इस बार कवर करते हैं ना, ये दूसरा गेट आ गया, यहाँ से बाहर निकलने का। वाह यार मस्त है, ये रहा वो पोर्टुगीज लोगों का सिंबल, और ये जो जगह है उससे अंदर मैं भी आया हूँ। आगे चलते हैं, पर कुछ तो पानी है मस्त मस्त। यहाँ से बहुत ही मस्त सी व्यू आ रहा है फोर्ट से, पूरा दूर दूर तक सी व्यू, और मस्त रास्ते आने जाने के, इजीली आ सकते हो। यहाँ पर बैठने वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है। फिर ये पूरा सिटी व्यू, ये तोप है यहाँ पर, दो तोप टोटल तीन चार है, बहुत सारी तोप अभी तक जिंदा है, मीन्स उसको जंग नहीं लगा इतना। देखो इधर, कटिंग हो गया है, चट्टान जैसा है, लटक रही है, लटक रही है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ एक बात तो देख लिया, यहाँ आने के बाद समझ में आया कि यहाँ पे सब लोग मिले जुले हैं, तो पैसा दो तो सब कुछ देख सकते हैं, कोई सिक्योरिटी कोई कुछ भी नहीं है, कुछ लोग अंदर आके दारू पीते हैं। क्या बताऊँ यार, क्या बताया, समझ जाओ यार, इधर समझ रहे हो ना, वो सब भी है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है में, वही सब मिले हुए हैं सिक्योरिटी। डिफिकल्ट है थोड़ा, स्पेनिश में क्या मतलब पता चल जाएगा बट पोर्टुगीज थोड़ी डिफिकल्ट है। और बंसी भाई कैसा लगा ये फोर्ट? देखिए इस फोर्ट की, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज है, लेकिन नाजुक है, पर देखिए इस दीवार के उस तरफ समुंदर है और इस तरफ ये बड़ा सा महल है।
तो फाइनली ये जो एंड पॉइंट है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये वहाँ का लाइट हाउस है, जब मैं गया था वहाँ पर बंद था, बट ये खुलता होगा। सो इससे भी यहाँ पे आगे रास्ता था बट बंद था। वहाँ पर जाने के लिए शायद परमिशन भी चाहिए और वहाँ पर खाई भी है, तो पूरा पूरा एडवेंचर वाला रूट है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, आपके कोई ओपिनियन या सजेशंस हो तो कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो में।